नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के हुए मतदान में ईवीएम छेड़खानी को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में 6000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मोदी सरकार फंसती भी नजर आ रही है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। कोर्ट से क्या बड़ी खबर है, इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात पर अब रशिया ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। रशिया की तरफ से युद्ध का ऐलान किया गया है, जिसके बाद बता जा रहा है डोनेटेस्क एक जो है सिटी का नाम है यूक्रेन के अंदर, वहां पर धमाके शुरू हुए हैं। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेताओं के साथ एक बार फिर से मारपीट का मामला सामने आया है। बीजेपी के नेताओं पर लोगों ने हमला किया, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब पर चल रहे विवाद को लेकर के हिजाब के समर्थन में आई लड़कियों ने एक बहुत बड़ा अब जो है बयान इस मामले पर दिया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बहुत बड़ा आरोप, यूपी विधानसभा चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया गया है, किस तरह से इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के बीच लखीमपुर खीरी के अंदर जो है ईवीएम के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। ईवीएम में फेविक्विक डालकर मतदान बाधित करने के मामले पर पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर कादीपुर निवासी पवन पासी और साबिर नाम के दो युवकों को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है और इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने साइबर जो है साबिर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी पवन पासी जो है वो फरार चल रहा है। खीरी लखीमपुर में पुलिस ने बताया कि कादीपुर में सुबह 10 बजे सामान्य रूप से वोटिंग चल रही थी, तभी दो महिलाएं वोट डालने गई थी जिन्होंने मशीन के कार्य ना करने की बात कही थी। इस पर संबंधित अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि मशीन के एक बटन पर चिपचिपे पदार्थ से बटन दबा पड़ा हुआ है। जांच में पता लगा कि महिलाओं से पहले गांव कादीपुर निवासी पवन पासी और साबिर ने यह कार्य किया है। दोनों ने पुलिस की तलाश यानी दोनों को जो है पुलिस अब खोजबीन के लिए और गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, और जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, गुजरात में 6000 करोड़ रुपए का घोटाला, फंसी बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं, कांग्रेस ने बुधवार को गुजरात की भाजपा सरकार पर 6000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराने की मांग और कहा है कि पूरी जांच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। कांग्रेस ने जांच को सुप्रीम कोर्ट के ही किसी मौजूदा जज की निगरानी में कराने की मांग उठाई है। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा है कि परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामले दर्ज करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा है कि 60 लाख टन कोयला गायब, क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधान मित्र मंत्री जी कुछ कहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि यूपीए सरकार ने छोटे उद्योगों को किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने की नीति 2007 में शुरू की थी, लेकिन इस पर अब बीजेपी जिस तरह के कारनामे कर रही है यह आपके सामने है। 6000 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस पर पूरी तरह से खामोश है। एक भी डिबेट आपको इस मामले पर देखने को नहीं मिलेंगी। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब जो है हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी खबर है। कर्नाटक सरकार की तरफ से अब साफ कहा गया है कि अगर हिजाब पहन करके लड़कियां जो है स्कूल और कॉलेज के कैंपस में आना चाहती हैं तो उनको कोई नहीं रोकेगा, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हां क्लासरूम के अंदर हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। यह तर्क देते हुए कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार ने अब अपनी नरमी इख्तियार करने का एक तरह से संकेत दे दिया है। फिलहाल इस मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले को इसी हफ्ते खत्म करना चाहते हैं और इस पर कोई ना कोई
फैसला सुनाना चाहते हैं जिस पर लगातार सुनवाई जारी है और आज भी इस पर सुनवाई हो सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात पर रशिया का बहुत बड़ा ऐलान, आप इस खबर को देख सकते हैं। यूक्रेन रूस अब युद्ध के बेहद करीब है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी है, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन जो है रूस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता है, इसलिए रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू कर रही है। उनके अनुसार इस ऑपरेशन का लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के दो हिस्सों से यूक्रेनी सेना को हटाना है। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया है कि इस अभियान का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में लगे बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध जारी है, जहां एक तरफ जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद कल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी गायक मनोज तिवारी को भी लोगों ने दौड़ाया, और उसके बाद अब जो है गोरखपुर से एक और मामला सामने आ रहा है, आप इस खबर को देख सकते हैं। गोरखपुर जिले के चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के जनसंपर्क के दौरान कौड़िया गांव बुधवार देर रात दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज किया है, और वह आरोप है कि उन लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार और नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार की तहरीर पर 6 नामजद समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के साथ लगातार खदेड़ा वाला अभियान जारी है। बीजेपी नेताओं को लोग भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर हिजाब का समर्थन करने वाली लड़कियों का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी PU कॉलेज के उन छात्राओं ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जा रही है। इन छात्राओं ने सरकार शिक्षा विभाग से अपील की है कि PU सेकेंड ईयर के साइंस स्ट्रीम के जो है प्रैक्टिकल एग्जाम फिलहाल टाल दिए जाए, क्योंकि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और अभी तक उनकी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है। इसी के साथ साथ लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है, कहीं ना कहीं हिजाब का मुद्दा जो है कुछ पार्टियां पॉलिटिक्स में खींच करके अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच मशहूर शायर मुनव्वर राणा का चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप, आप इस खबर को देख सकते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम को गायब होने की शिकायत करवाई है और जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगा। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।